राजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में राजयोग सत्र के पश्चात श्री कृष्ण जन्माष्टमी दिव्यता का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के भिलाई सेवा केंद्र की निदेशिका ब्रह्म कुमारी आशा दीदी के मार्गदर्शन में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी पर्व पूरी भव्यता के साथ मनाया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व अर्थात धरा पर बैकुंठ सतयुगी दुनिया में सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम संपूर्ण निर्विकारी डबल हिंसक से सुसज्जित सतो प्रधान दुनिया में सतयुग के प्रथम राजकुमार श्री कृष्ण का जन्म, जिसे हम आज तक उत्साह के साथ उत्सव के रूप में मना रहे हैं। यह एक ऐसा समागम है जहां शेर और गाय एक ही घाट में पानी पीते थे, अर्थात सभी में आपसी प्रेम सुख शांति स्नेह संपन्नता थी। उस पावन दुनिया में जहां हमें योग बल एवं ज्ञान बल से विकारों रूपी माया पर विजय पानी है, देवतागण इस पावन धरा में कदम रखते हैं, पतित दुनिया में नहीं। इस मौके पर पीस ऑडिटोरियम में सतयुग बैकुंठ दुनिया के स्वर्णिम दृश्य को सजाया गया था, जहां राधे कृष्ण को पुष्पक विमान में उड़ता हुआ दिखाया गया है तथा शेर और गाय को एक ही घाट पर पानी पीते हुए भी दिखाया गया है, जो दर्शाता है कि हमें ऐसे ही आपसी प्रेम और सौहार्द में रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण और राधा को झूले में झुलाते हुए एवं साथ में गोप गोपिकाओं को संस्कारों के मिलने की रास करते हुए दिखाया गया है। आशा दीदी ने कहा कि इस पावन उत्सव पर हमें प्रकृति को भी पावन बनाना है। आज मनुष्य आत्माएं दुखी अशांत हैं, तो प्रकृति भी दुखदाई है। हमें मन को एकाग्र कर राजयोग से प्रकृति को शांति का दान देना है। जन्माष्टमी की सबको बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ब्रह्मा कुमारी इस परिवार की तरफ से श्री कृष्ण, इसको कहते ही मनमोहन, जिनके गुण चरित्र और श्रेष्ठ धारणा सबके मन को मोहा है और वो सदा ही झूले में झूलता हुआ दिखाते हैं, उसको खास झूले में झुलाते हैं। हम महसूस करते हैं कि अनेक प्रकार की परिस्थिति समस्याएं और बाधाएं जो मनुष्य को हिलाती है, लेकिन श्री कृष्ण ने उसको ऐसे महसूस किया जैसे कि वो आज प्रकृति के 5 तत्वों को सतो प्रधान बनाना है। ऐसी दुनिया बनानी है जहां सुख निश्चित वाली जीवन हो। यह दृश्य आने वाली दुनिया में प्रैक्टिकल में संपन्न होगा। यह झांकी सभी के दर्शनार्थ 23 अगस्त रात्रि 9 बजे तक रहेगी, जिसके दर्शन कर मनुष्य जीवन में प्रेम की परिभाषा को सीख सकते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।